हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आपके सामने हमेशा की तरह दो नंबर हैं, नंबर वन और नंबर टू। आपको इनमें से कोई भी एक नंबर चुनना है, सच्चे मन से एक नंबर चुनना है और फिर देखते हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनका नाम लेना है, एक नंबर चुनना है। बहुत सिंपल है, सच्चे मन से विश्वास रख कर ही देखे चुनना है। अगर आप पूरा विश्वास रखेंगे तो रीडिंग आपसे कनेक्ट ज़रूर होगी। रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो प्लीज़ कमेंट में आप जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, या फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर वो नंबर लिख सकते हैं जो आपने चुना है, लेकिन कमेंट ज़रूर करनी है। दोस्तों, जब आप कमेंट करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है जो आपके लिए भी अच्छी होती है और हमारे लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी चुन लीजिए कोई एक नंबर। सबसे पहले बात करेंगे हम जिन्होंने चुना है नंबर वन। तो हेलो नंबर वन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके प्यारे प्यारे मैसेज कमेंट्स जो आते हैं वो और प्यारे प्यारे लाइक्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू दोस्तों। और जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आने वाली लाइफ के लिए हम प्रे करते हैं गॉड से कि आपका आने वाला समय आपके करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, जर्नल रीडिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका समय चले जी। और देखिए, अब बात करेंगे उस पर्सन की जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। देखिए, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उनकी करंट फीलिंग देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त। तो देखिए, ये पर्सन आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में जानते हैं कि आप एक बहुत एक नेक दिल इंसान है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे और ना ही कभी किसी के साथ बुरा करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जब तक आप इनके साथ हैं तब तक इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपको ये एकदम से एक एंजल मानते हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान आपको समझते हैं। आपको कभी अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं जाने दे सकते हैं, अपनी ज़िंदगी से दूर, अपने जीवन से दूर, देखिए अपने आप से दूर बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। आपको अपनी ज़िंदगी मानते हैं, जीवन मानते हैं। इन्हें लगता है कि अगर आप चले गए तो मान लीजिए इनका तो सिर्फ जीने का मकसद ही ख़त्म हो गया, ऐसा ये मानते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं ये पर्सन, काफ़ी अच्छा कार्ड आया। देखिए, फीलिंग कनेक्ट हुई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं जिन्होंने नंबर दो चुना है। हेलो नंबर दो, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करते हैं आप चैनल को उसको, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। और देखिए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं आपकी आने वाली लाइफ के लिए, आपके करियर, लव लाइफ सब के लिए, कि आपको आपका अच्छा सा पार्टनर मिल जाए और करियर में आप एक अलग ही मुकाम हासिल करें। दिल से दुआ दे रहे हैं दोस्तों, यूनिवर्स की तरफ से भी हम चाहते हैं आपको आशीर्वाद मिले और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। चलिए अब बात करते हैं उस पर्सन की जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। देखिए, ये पर्सन जो हैं आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, ये समझते हैं, सोचते हैं, लग रहा है इस वक्त कि आप में थोड़ा ईगो है। मतलब अगर हम आपके, मतलब अगर ये आपसे कुछ ज़्यादा अपनापन दिखाएंगे तो आपके अंदर एक, वो कहते हैं ना, एक घमंड वो आ जाएगा, इस ऐसा इन्हें लगता है। बहुत प्यार करते हैं आपसे लेकिन बताते नहीं आपको। इन्हें लगता है कि आपके अंदर ईगो है, आप घमंडी हैं, मतलब ऐसा ये मानते हैं। तो कहते हैं ना, अगर आप इन्होंने बता दिया आपको कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनकी लाइफ में तो आप भाव खाने लगेंगे। इस टाइप का कोई इंसान ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। तो फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही है। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, मिस भी करते हैं अगर आप दूर चले जाते हैं इनसे, और बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं। तो देखिए, प्यार बहुत करते हैं लेकिन डरते हैं क्योंकि आप भाव खाने लगेंगे, इन्हें ऐसा लगता है जी, इन्हें ऐसा लगता है कि आप भाव खाने लगेंगे, तो इसलिए आपसे अपने दिल का हाल ये नहीं बता पाते हैं। बाकी आपसे प्यार बहुत करते हैं आप जो इनकी लाइफ में ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं, रिस्पेक्ट तो आपकी करते हैं लेकिन आपकी केयर भी बहुत करते हैं, और इन्हें इस बात का भी पता है कि आप इनकी केयर बहुत करते हैं। तो दोस्तों, रीडिंग कनेक्ट हो रही हो तो
प्लीज़ कमेंट जब में जय माता दी ज़रूर लिखना, और आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो नंबर आपने चुना है वो लिख सकते हैं। थैंक यू।